ढाई अरब रुपए फलूदे वाले का अकाउंट में जाते कैसे हैं, मुझे ये समझ नहीं। ये तो जिनके अकाउंट में गए उनसे पूछे हैं कि किस तरह गए हैं, या जिसने भेजे उनसे पूछना चाहिए गलत तरीके से जी, या जिसने भेजे उनसे पूछना चाहिए। बिल्कुल, जिसने भेजे हैं उससे पूछना चाहिए, स्टेट बैंक जो कि बैंकों का रेगुलेटर है उससे पूछना चाहिए, FIA जो कि इन क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करती है उनसे पूछना चाहिए। लेकिन ये होता है बहुत ज्यादा पाकिस्तान में। देखें, पैसे तो लोग बैंकों में डालते हैं और पैसे डालने में मैं समझता हूं कोई कबाहत या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज लॉन्ग एज उसकी सोर्स डिक्लेयर्ड हो, उसके ऊपर टैक्स पे किया जा चुका हो, आई डोंट सी एनी इशू विद दैट। लेकिन अगर कोई फेक अकाउंट बन रहा है, कोई फ्रिवलेस अकाउंट बन रहा है, तो वो गलत है और उसके खिलाफ मैं समझता हूं कि तहकीकात होनी चाहिए। सर लेकिन तहकीकात तो जरदारी साहब से हो रही है ना इन चीजों की, कोई तो होगा। इंटरेस्टिंग चीज है, कोई तो होगा जिसके जिसके इशारों पर, जिसके फैसलों पर इस तरह के बैंक्स ये काम करते भी हैं, पैसे सर्कुलेट भी होते हैं, मामला 150 अरब रुपए तक पहुंच गया अपेरेंटली, को अरब 1.5 अरब डॉलर की बात हो रही है। ये कौन लोग थे जिन्होंने ये काम किया, कि कैसे अकाउंट्स खोले, किस तरह हुआ ये सारा कुछ? देखिए काशिफ साहब, बात जो अभी रांझा साहब कर रहे थे मैं उसकी थोड़ी ताईद ये करूंगा कि इल्जाम लगाना आसान होता है, इल्जाम को साबित करना मुश्किल होता है, और हमने बेसिकली एज ए नेशन फैसला कर लिया है कि हम इल्जाम पर बिलीव करेंगे, हम साबित करने पर बिलीव नहीं करेंगे। देखें, अगर किसी ने कोई कानून शिकनी की उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सिर्फ एज अ पॉलिटिकल वर्कर आपके सामने गुजारिश ये करूंगा कि इस केस को इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है एज इफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में ये केस है। देखिए 2014-15 में ये इंक्वायरी स्टार्ट हुई, अगर ये एविडेंसेस मौजूद थे तो उस वक्त FIA ने क्यों नहीं कुछ किया, क्यों 2018 के इलेक्शन का वेट किया गया, ऐसी क्या जरूरत थी कि आप इलेक्शन के टाइम तक का आपने वेट किया इस केस को FIR की तरफ जाने के लिए और FIR से चालान फाइल करने के लिए। मतलब भाई एक आदमी कहता है यहां पर कि पहले आप पहले तफ्तीश पूरी कर लिया करें, कुछ आपके हाथ में सब्सटेंटिव आए तो केस किया करें, आप कहते हैं जी जब पहले था तो उस टाइम FIR क्यों नहीं हुई, 4 साल इंतजार क्यों करना पड़ा। ये तो आप लोग तो किसी हाल में खुश नहीं होंगे, पहले FIR होगी तो वो नाराज होंगे, बाद में FIR होगी तो आप नाराज हो जाएंगे। यहाँ पर उल्टी नैया बह रही, यहाँ पे तलाक जो है वो पहले कराने के चक्रों में नकाम, बाद में पढ़ाने के चक्रों में जी। मतलब मैं काशिफ मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर थोड़ा सा बोलने देना तो मैं शायद अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर सकूं। देखें, कानून का प्रिंसिपल है और रांझा साहब वकील बैठे हैं, फैसल साहब भी काफी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं आजकल, इनको भी पता होगा, ही हु असर्ट्स मस्ट प्रूव, अगर कोई इल्जाम लगा रहा है साबित करना उसका काम है। अब आप टीवी पे रोज टीवी पे बैठते हैं, टीवी चैनल्स पे एंकर्स बैठते हैं, लोग बैठते हैं कि 150 अरब रुपए की इंक्वायरी हो रही है, सब जरदारी साहब का है, पाकिस्तान ठीक है, जो कागजात उनसे तफ्तीश, मेरी बात सुन ले जरा काशिफ साहब प्लीज, फैक्ट ट्विस्ट कर रहे हैं, ये नहीं कहा उनका है, ये है कि उनसे इंक्वायरी हो रही है इस पैसे की, ये दोनों में बड़ा फर्क है। मैंने ये कहा बिल्कुल इंक्वायरी उनसे हो रही है, व्हिच इज काशिफ साहब, काशिफ साहब इंक्वायरी से हम कभी पीछे नहीं भागे। 96 से लेके 2007 तक इंक्वायरियां हुई, 2013 में जब वो प्रेसिडेंसी से निकल गए उसके बाद उनके खिलाफ केसेस गए, वो उन्हीं आजाद कोर्ट्स के सामने पेश हुए, नैब कोर्ट्स के सामने ऑनरेबली अक्विट हुए, तो साबित कभी कुछ हो नहीं पाया। बट मैं आपके सामने गुजारिश ये करना चाह रहा हूं, ये जो बार बार बात की जा रही है कि 150 अरब 150 अरब 150 अरब, जो उनको नोटिस आया था उस नोटिस को अगर आप उठा के देखें तो उसके अंदर 150 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन का जिक्र है, 150 करोड़। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो प्लीज प्रूव मी रॉन्ग। नहीं नहीं, अब आपकी बात ठीक है। आजाद FIA उनको समन कर रही है, जो FIA उनको बार बार समन किया और कागजात भेजे, जो चिट्ठी थी जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो अमाउंट लिखा हुआ है वो 150 करोड़ रुपए के, 150 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई जो कि पैसे जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज में गए। उस 150 करोड़ का जवाब जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज FIA को बिल्कुल देने को तैयार है, दिया भी है, और वापस GIT जब बुलाएगी उनको वापस जवाब देंगे। बट मैं गुजारिश ये कर रहा हूं, ये जो एक अजम्पशन बन गई है कि 250 अरब रुपए 150 अरब रुपए 80 अरब रुपए, ये जो अमाउंट्स बड़े बड़े आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये अमाउंट्स कहां से आ रहे हैं और किस तरीके से आ रहे हैं। अगर ये अमाउंट्स मौजूद थे तो स्टेट बैंक क्या कर रहा था, FIA क्या कार्रवाई कर रही थी, FIA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में नहीं थी, FIA जरदारी साहब के कंट्रोल में नहीं थी, FIA उन लोगों के कंट्रोल में थी जो कि हमारे कंट्रोल में मैं नहीं है। साहब कुछ कहना चाह रहे ब्रेक से पहले? सर ये तो ये आर्गुमेंट कोई नहीं है ना, मैं माफी चाहता हूं आपका, ये आर्गुमेंट पहले क्यों नहीं किया, अगर पहले नहीं किया तो अभी ना करें,
मियां साहब का केस तरामे का है, वो कह रहे उस वक्त नहीं किया तो अब ना करो, ये कौन सा आर्गुमेंट है? बहुत सी आर्गुमेंट है, सॉरी आर्गुमेंट इज आई हैव नॉट डन एनीथिंग, नहीं नहीं मैं मेरा मेरे कागज साफ है, दैट्स एन आर्गुमेंट कि मैंने कुछ नहीं किया, ये आर्गुमेंट नहीं है कि पहले क्यों नहीं किया। काशिफ मेरी बात तो सुन लेना, अरे बाबा मेरे ब्रेक के बाद आता हूँ, वापस आता हूँ। फैसल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं ब्रेक ले लिया। काशिफ साहब मुझे एक बात बताएं, एक अफसर जिसकी तनख्वाह 45,000 50,000 65,000 रुपए है, जिसके वो बच्चों को अपने पाल भी नहीं सकता, उसको आप कह रहे हैं इंक्वायरी करो, और इंक्वायरी करके अगर वो बता दे वो मारा जाएगा, कितने लोगों की लाशें गिरी है? एक वो आंसर है, एक आंसर ये जो बचाएगा उसको अरबों रुपए का कुछ हिस्सा मिल जाएगा। निजाम ही बना चोरी के लिए, सारे लॉस चोरी के लिए, पार्लियामेंट चोरी को बचाने के लिए, बारी बारी का ठेकेदारी की भी इन्होंने आपस में। आप लॉ लाने की बात कर रहे हैं, मोहसिन राजा साहब बहुत अच्छे आदमी है, मैं मोहसिन राजा साहब पूछता हूं इनकी पार्टी के अंदर 80% लोगों का कारोबार बताए, उनके बाप का बताए, उनके दादा का बताए, कारोबार ही नहीं था, अरबपति बन गए। पीपल्स पार्टी के अंदर मुस्तफा आप जैसे लोगों को छोड़ के 80% पोलिटिकल पार्टी के अंदर उनके बताए कि बाप दादा का कारोबार क्या था, बीड़ी पीते थे, मोटरसाइकिल भी चलते थे, शुगर बिलों के मालिक है, बिलियनर ट्रिलियनर्स है, जिसकी पार्टी में भी ऐसे ही है सर है, मैं नहीं कह रहा मेरी पार्टी में नहीं है, है बिल्कुल है, पकड़े। और इनकी आजकल तो मेन स्ट्रीम लाइन में है ही वो लोग, इनके तो मेन मशवरे देने आ रहे हैं, करने वाले आपके भी हैं और उनके भी हैं। मसला ये है सबकी पार्टियां मेन स्ट्रीम कौन है जिसने पैसे बनाए हैं और जिसके पास आशिफ साहब आपके प्रोग्राम में मैंने किसी का नाम ले लिया था, 5,000 कॉल्स मुझे आई कि हमारे मुंह को चुप हो जाओ, सिर्फ नाम लिया था, किसका नाम लिया, किसी का नाम लिया था मैंने, सिर्फ नाम लिया था, 5,000 फोन आए सिर्फ नाम लेने पर। आप मुझे एक बात बताएं काशिफ साहब, इस मुल्क के अंदर रूथलेस अकाउंटेबिलिटी छोड़े ना सर। अच्छा, ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। बुखारी साहब निजाम